वेलकम बैक टू दिन अदर वीडियो। ब्रेजा की अगर बात करी जाए तो ब्रेजा के लिए काफ़ी लोग कह रहे थे कि कोई ब्रेजा मतलब दिखाओ कैसी है। टॉप मॉडल पिछली बार आपको दिखाया था ZXi प्लस, अब शोरूम में VXi मॉडल अवेलेबल हो चुका है। तो कैसा ये मॉडल है, क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत कर लीजिए गाड़ी की चाबी से। तो कुछ ऐसी चाबी दिखती है गाड़ी की, मतलब बिल्कुल बेसिक सी जो सुजुकी की चाबी हमेशा से आती है, बिल्कुल वैसी चाबी आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको लॉक और अनलॉक का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है, सुजुकी के पीछे लिखा मिल जाता है। अगर अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ गाड़ी की सामने से, तो ये VXi मॉडल सामने खड़ा हुआ है जो पेट्रोल वाला आता है, क्योंकि इनका जो डीजल वाला वेरियंट है ना वो तो आना बंद हो चुका है। सामने से जब आप गाड़ी को देखते हो तो बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी नज़र आती है, मतलब बेसिक क्या जैसी मतलब ब्रेजा होती है वैसी ब्रेजा नज़र आती है। अब बात कर ली जाए टॉप मॉडल और इसमें आपको अंतर क्या क्या देखने को मिलेगा। ये VXi मॉडल खड़ा है, इससे नीचे एक एलेक्साई भी आता है। और अगर बात कर ली जाए हेडलाइट्स की, तो कुछ ऐसी इसमें हेडलाइट प्रोवाइड कराई गई हैं सुजुकी के द्वारा। अब मतलब हेडलाइट में चेंज क्या है, यहाँ पे मतलब आपको प्रोजेक्टर तो मिलता है, बट आपको इसमें डबल बैरल प्रोजेक्टर नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ में DRL आपको यहाँ पे मिसिंग लगेगा, और यहाँ पे जो ZXi आती है उसमें आपको DRL अवेलेबल करा गया है। और तो और इसमें यहाँ पे जो इंडिकेटर दिया ना, ये हेलोजन दिया गया है। और बात कर लिया ZXi की, तो ZXi में आपको यहाँ पे LED आई है, उसमें कोई इंडिकेटर जलता है। आगे से लुक की बात कर लूँ तो बिल्कुल ऐसा नॉर्मल सा लुक है, कोई मतलब ज़्यादा बदलाव तो खैर इसमें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें। VXi के हिसाब से मिड वेरियंट के हिसाब से देखो तो गाड़ी सही है, क्योंकि प्रोजेक्टर मिल जाता है, और भाई आपको क्या चाहिए। अगर साइड से मैं बात करता हूँ तो साइड से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी, ये आपको मतलब वाइड एंगल पर करके दिखाऊँ तो मतलब अगर बात करूँ व्हील की, तो इसमें आपको व्हील कवर देखने को मिलेंगे जो ब्लैक वाले रिम है, इनके साथ आपको कंपनी व्हील कवर लगा के देती है। इसमें कोई अलॉय व्हील का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। अगर मैं टायर साइज की बात कर लूँ तो टायर साइज इसका यहीं कहीं लिखा होगा, अभी एक मिनट बताता हूँ आपको। जैसे टायर साइज इसका जो लिखा है यहाँ पे R16 का इसका टायर देखने को मिल जाएगा, मतलब 215 की चौड़ाई, और R16 इंच का आपको इसमें व्हील देखने को मिल जाएगा। ठीक, अंदर से अगर मैं देखता हूँ तो अंदर ना आपकी बार ना ये सुजुकी वालों ने अच्छा काम करा, ये पूरा का पूरा ना कवर सा कर दिया, इस पर एक परत सी चढ़ा दिया ताकि मतलब बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्ट सा मिले। अगर मैं बात कर लूँ इधर से, तो ये जो क्लाइडिंग है ये आपको यहाँ पे पूरी की पूरी ब्लैक देखने को मिल जाएगी, एंड तक गई हुई है, और मतलब बिल्कुल बेसिक सी पूरी पीछे तक ये निकल जाती है। और इस साइड से अगर बात करता हूँ तो गाड़ी पे मतलब ये जो ORVM है ये बिल्कुल बेसिक सा ORVM है, इलेक्ट्रॉनिक वाला है, फोल्ड भी अपने आप ही हो जाता है नीचे। बट इसमें कोई भी 360 कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कोई कैमरा इसमें नहीं दिया। ZXi प्लस या ZXi में आपको कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही साथ में ये जो इसका ये मतलब डोर हैंडल है ना, ये जब इसे आप खोलोगे तो ये तो बेसिक खुल जाएगा, बट यहाँ पे ना एक बटन आता है रिक्वेस्ट सेंसर वाला, यहाँ पे वो बटन आपको मिसिंग मिलेगा। डिसेंट सा आपको मतलब विंडो मिल जाते हैं, एयरी फीलिंग आपकी बनाए रहेंगे। यहाँ पे ऐसी छोटी सी पट्टी दी है ब्लैक कलर की, यहाँ से आप अपना फ्यूल भरा सकते हो, और एक क्वार्टर पैनल विंडो इधर देखने मिलेगी। अब मेन चीज़ बात करी जाए इसकी पीछे से, तो पीछे से डिजाइनिंग है यार गाड़ी का, एक अलग ही लेवल पर डिज़ाइन चला गया भाई। पीछे से जो मतलब इस गाड़ी का लुक आता है ना, जब जब आप देखोगे तो रेंज रोवर की ईवोक आती है और वेलार जो आती है, ये जो चीज़ इसमें ये ब्लैक एलिमेंट दिया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा लगता है। और साथ ही साथ में ये जो ब्रेजा इन लोगों ने यहाँ पे ऐसा करके लिख के दिया, ये बिल्कुल उसी की तरह लगता है जो रेंज रोवर होती है ना, उसमें भी पीछे लिखा होता है रेंज रोवर, ऐसे बिल्कुल सेम ब्रेजा की ऐसे कॉपी सी टाइप की करी हुई है। पीछे से तब मैं देखता हूँ ऐसे ही वही आपको रिम मिलेगा है, ठीक है। अब पीछे से क्लाइडिंग आपको ब्लैक कलर की देखने को मिल जाएगी, और इसमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सेंसर इसमें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए, हालांकि कोई भी यहाँ पे कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता है। बट इसमें एक चीज़ अच्छी क्या है, इसमें कोई भी आपको वाइपर देखने को नहीं मिलता है, ZXi में वाइपर आ जाता है, बट इसमें डिफॉगर आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं, पहले नहीं आते थे यार ये सब, अब इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी। इसमें यहाँ पे नीचे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है, वही क्या कहते हैं जो बैटरी वाला कुछ सिस्टम होता है इसका, वही वाला आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। और ऊपर जब आप बात करोगे तो ऊपर आपको यहाँ पे एक शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये जो इसकी चीज़ है ना, ये स्पॉयलर है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्पॉयलर आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ बड़ी नोटिसेबल है, यहाँ पे इन्हें ब्लैक एलिमेंट का काम कराया, ठीक है, लाइट के ऊपर ब्लैक सा एलिमेंट है, बट जो इसका यहाँ पे वो है ना स्टॉप माउंटेड टेल लैम्प, इसमें भी आपको ब्लैक मतलब थोड़े बहुत एलिमेंट मिल जाएंगे। देखो ये ब्लैक सा गया ना किनारे से, ये काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं पीछे से बात कर लेता हूँ, पीछे तो खैर बात कर ही ली, अब मैं इसको आगे से एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, मतलब इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। इस साइड से भी कोई भी आपको वो नहीं दिया है मतलब रिक्वेस्ट सेंसर, क्योंकि जो इसकी चाबी है वो नॉर्मल वाली चाबी है, कोई भी कीलेस एंट्री इसमें नहीं दी गई है, इसलिए पूरी की पूरी गाड़ी आपको ऐसी लगती है। बाहर से आपको मैंने गाड़ी दिखाई कैसी लगती है, ठीक है, ये आपने पूरी की पूरी देख ली। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको ये अंदर से कैसी लगती है। अंदर से जाने के लिए आपको गाड़ी लॉक करनी, वो अनलॉक करनी पड़ेगी, और जब दो बार अनलॉक कर लोगे तो पीछे वाला भी डोर खुल जाएगा। अब जब इसको अनलॉक करते हो, अनलॉक करने पे कुछ ऐसा इसका इंटीरियर देखने को मिलता है, पूरा का पूरा ब्लैक सा इंटीरियर है, ठीक है। ये फैब्रिक का काम दिया गया यहाँ पे, और ये बेसिक से बटन दिए गए हैं, चारों पावर विंडो आपको देखने को मिल जाती है, लॉक अनलॉक का फीचर, और ये विंडो का मतलब ये विंडो का ये ऊपर नीचे या खोलने बंद वाले बच्चे छिड़ते थे उनको लॉक करने का फीचर है, और यहाँ पे ये ORVM के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ठीक। अगर मैं साइड से बात करता हूँ तो एक चीज़ मुझे काफ़ी निराश सा कर रही है, ये जो चीज़ दी है ना ये बहुत ही बुरी दी है भाई। मेरे पास स्विफ्ट VDI भी है, उसमें ये जो चीज़ है वो क्रोम की दी है, तो वो काफ़ी अच्छी दिखती है, इसमें दे सकते थे, यहाँ कॉस्ट कटिंग कंपनी ने साफ साफ करी है, ठीक।
अब ये चीज जो दी है ये ना, ये जो नीचे आई है ऐसे करके एक लाइन सी आ रही है, इसको भी इन लोगों ने ना कोई सिल्वर करा ना कुछ करा, बेसिक सा सिंपल ब्लैक करके दे दिया, जो कि मतलब देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा। इधर से बात करते हैं तो यहाँ पे आप एक 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो, यहाँ पे थोड़े बहुत पेपर रख सकते हो, एक स्पीकर आपको यहाँ देखने मिल जाएगा और एक ऊपर यहाँ पे ट्विटर देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर कुछ ऐसा इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, अगर वाइड से शिफ्ट करके मैं नॉर्मल पर कर दूँ तो कुछ ऐसा इंटीरियर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इसकी सीट्स हैं वो बिल्कुल बेसिक से सीट्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं है। इंटीरियर में अगर मैं बैठ के बात करता हूँ तो यहाँ पे जब आप चीज नोटिस करोगे तो ये सिल्वर सा एजेंडा ना, अगर ये यहाँ पे कर देते तो ये काफी बेटर हो सकता था। ठीक, और जब आप इसको सही करोगे तो मतलब यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी बटन मिलेगा, क्योंकि पहले कोई ब्रेजा में बटन ऐसा नहीं आता था, अब इसमें भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में इंजन स्टॉप और ये ऑफ का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो इसकी वो इसमें क्लिच वाली जो सिस्टम है ना वैसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इधर से आप अपनी इसकी लाइट ऊपर नीचे कर सकते हो, एडजस्ट कर दो, एसी वेंट आपको इधर देखने को मिल गए, और ऐसा कुछ आपको डी कट वाला, ये नीचे से फ्लैट है, ठीक है, डी कट वाला आपको स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब काफी स्पोर्टी फील देता है। अगर मैं हॉर्न की बात करूँ तो हॉर्न इसका ऐसे कुछ बजता है, वो डिसेंट सा बज रहा है, अच्छा खासा साउंड है। यहाँ से आप अपने सारे वॉइस के फोन वोन के कंट्रोल उठा सकते हो, यहाँ पे आपको जितने भी मतलब आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल है, आवाज बढ़ाना घटाना सब यहाँ पे आराम से कर सकते हो। एक एयरबैग इस साइड पे, एक एयरबैग उस साइड पे, दो एयरबैग आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। अगर मीटर की बात कर लूँ तो इसमें कुछ ऐसा स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं स्पीडोमीटर को चला के आपको दिखाऊंगा, अगर इसकी बात करूँ पर्टिकुलर मीटर की, तो ये मीटर मुझे काफी बेटर लगा टॉप मॉडल के कंपेरिजन में, क्योंकि टॉप मॉडल ज्यादा थोड़ा मुझे स्क्रीन इतनी पसंद नहीं, मुझे एनालॉग मीटर ज्यादा पसंद है। जब मैं मीटर ऑन करता हूं तो कुछ ऐसा मीटर आपको देखने को मिलता है, पूरा व्हाइट कलर का ब्राइट अप होता है। इस साइड में ये जो चीज है ना, ये पूरी की पूरी इसकी टेम्परेचर वाली बैजिंग है और ये इसकी फ्यूल वाली बैजिंग है। ठीक, और इसमें कुछ ऐसा खास तो मुझे दिख नहीं रहा, एवरेज आपको इसमें सब पता चलता रहेगा, नॉर्मल सा बेसिक सा। ठीक, अब इसका एसी में एक बार ऑफ सा कर देता हूं, हवा आएगी, वरना कुछ ऐसा इंटीरियर इस तरफ से देखने को मिल जाएगा आपको इसमें। यार इसे ऑफ करो, कहां से हो गई, एक मिनट ऑफ, ठीक ये ऑफ हो गया, इसे म्यूट करना है, ये म्यूट होगा। लो फ्यूल की वार्निंग आपको देखने को मिलेगी जब भी आपकी गाड़ी में कमी होगा, एक यहाँ पे लाइट जलेगी, एक यहाँ पे जलेगी। ठीक है, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे टच स्क्रीन आ जाता है, कुछ ऐसे करके ऊपर सा दिया गया है, जो कि अच्छा है। अगर इस चीज को ये लोग पियानो ब्लैक कर देते तो ज्यादा अच्छा प्रीमियम लग सकता था। ये जो सिल्वर एसेंट गया ये काफी अच्छा लगता है देखने में, यहाँ से ऐसे करके पूरा का पूरा यहाँ से ऊपर तक आया। ठीक, यहाँ पे आप अपनी छोटी मोटी कुछ चीज रख सकते हो, एक मतलब यहाँ पे यूएसबी लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और एक यहाँ पे जो भी चार्जिंग का आप सामान लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ठीक, नीचे की तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो एसी वेंट आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे, एक बटन आपको मिल जाएगा 4x4 इंडिकेटर करने का, एसी वेंट्स के इधर कंट्रोल सारे देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता है, जो कि काफी अच्छी चीज है VXI मॉडल के हिसाब से। और अगर मैं बात कर लूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें आपको सारे फीचर काम के देखने को मिल जाएंगे। ठीक, आप अपना फोन भी कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ की जरूरी है, और मतलब टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स अगर मैं देखूँ तो ठीक ठाक सा रिस्पॉन्स है यार, VXI मॉडल ले रहा, हाँ ठीक है, मतलब इतना स्मूथ नहीं है बट डिसेंट सा है। ठीक है, इसमें आपको चीजें पता चल जाएंगी। ठीक, इधर से अगर मैं बात करता हूँ, इधर आपको IRV है उसका देखने को मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल सा IRV है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है, ये मैनुअल वाला देखो। ठीक है, इधर आपको एक माइक दिया गया ताकि आपकी सारी आवाज जो भी यहाँ कॉल वॉल पे बात करो यहाँ से आपकी रिकॉर्ड होती रहे। पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइट दी गई है ताकि आप अपनी मतलब रात में रोशनी कर सको। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ी कंपार्टमेंट उधर, अगर 5-6 स्पीड का आपको गेयरबॉक्स दिया गया, जो कि सही है, डिसेंट सा है। इधर आप छोटी मोटी चीज रख सकते हो, इधर आप अपने मतलब कप होल्डर से बना के दिए, छोटा मोटा आप पानी वानी रख सकते हो। इधर ये चीज दी, स्पेस भी दी है ताकि आप छोटा मोटा काम करो। कोई भी इस गाड़ी में हैंड रेस्ट आपको देखने नहीं मिलता, मैनुअल वाला हैंड ब्रेक है यहाँ पे। अगर इसकी डिग्गी खोलता हूँ तो डिग्गी भाई काफी गहरी सी है, बड़ी सी है, काफी अच्छी लग रही है देखने में। उस साइड में भी एक बोतल रख सकते हो, और उधर भी आपको एक ट्विटर की वो फिनिशिंग देखने मिल जाएगी, वहां पे एक ट्विटर एक स्पीकर वहां पे हो सकता है। ठीक, पीछे से जाता हूं, अब मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूं सीट को। ठीक है, पीछे से मैं गाड़ी खोलूंगा तो पीछे से गाड़ी खोलते ही वो बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको जो बताया, काला रंग का पूरा इसमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है, फैब्रिक का इस्तेमाल यहाँ करा गया। और मैं पीछे से अगर आपको गाड़ी में बैठ के दिखाऊं तो पीछे काफी मेहनत से मुझे घुसना पड़ा है। पीछे से जब मैं इसमें गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो वो सीट नॉर्मल सी है, इधर आपको स्पेस बिल्कुल सही सी देखने को मिलेगी, ऊपर भी आपको स्पेस बिल्कुल नॉर्मल सी देखने को मिलेगी। ठीक है, पीछे से इधर से अगर बात करता हूँ तो एक अच्छी चीज मुझे ये लगी, VXI मॉडल में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एसी वेंट, जो कि काफी अच्छी चीज है। कोई भी आपको चार्जिंग का सॉकेट नहीं मिला भाई, कॉस्ट कटिंग करी गई यहाँ पे, साफ साफ दिख रही है। ठीक, अगर मैं इधर से बात करता हूँ तो स्पेस गाड़ी में डिसेंट सी है, दो हैंड रेस्ट आपको यहाँ पे लगाने को मिल जाएंगे, एक इधर बीच में कोई भी हैंड रेस्ट वो हेड रेस्ट आपका नहीं मिलता है। अगर ORVM की बात करूँ तो ORVM यहाँ से आपको पूरे के पूरे दिख ही रहे हैं। ठीक है, अगर इधर से मैं इसकी बात करता हूँ डोर हैंडल्स की, जब इसे बंद कर लूंगा तो ये पूरा पूरा जो इंटीरियर है ना, यहाँ पे इसे बेटर कर सकते थे ये लोग, इस चीज को बेटर करते थे, सिल्वर से कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक, इधर से भी बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी लगती है, मतलब हेडरूम भी इसका अच्छा खासा, मेरा सर भी यहाँ पे, और इतना मतलब इसमें हेडरूम मुझे देखने को मिल रहा है। इधर आपको छोटे मोटे आप यहाँ पे सामान टांग सकते हो, इधर से आपको टांगने की एक्सेस दी गई, यहाँ पे कुछ हैंगर वैंगर
मतलब ये दिया ना, ये सही चीज है, दोनों साइड पे दिया हुआ, एक उस साइड पे एक इस साइड पे। जब आप पीछे से इंटीरियर देखते हो तो कुछ ऐसा इंटीरियर आपको देखने को मिलता है गाड़ी का, जो कि काफी अच्छा लगता है VXI मॉडल के हिसाब से। मतलब पीछे से डिसेंट है गाड़ी, कोई मतलब इसमें बैठ के मुझे अजीब सा नहीं लग रहा, बट कोई भी जगह वगैरह सोचो कि आप बढ़ गई तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी थोड़ी बहुत जगह का तो मुझे फर्क लग रहा, थोड़ी बहुत तो बड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी मतलब इसमें एयरी फीलिंग सी गाड़ी में आ रही है। अगर इंजन की बात कर ले तो गाड़ी में इंजन अब मैं आपको खोल के दिखाऊं, जैसे यहाँ से इसका खोला तो भाई बिल्ड क्वालिटी साफ साफ पता चल गया, इसे उठाते इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी कर दी गई है। इधर आपको मतलब पूरी पूरी पैकिंग देखने मिल जाएगी, इंसुलेशन दी गई है कुछ, ये इसका इंजन है 1500 cc का पेट्रोल इंजन। उधर काफी आपको खाली सी जगह देखने को मिली है, इस चीज़ को बेटर कर सकते थे ठीक है, क्योंकि ऐसा इंसान जब खाली खाली सा देखता है ना तो मतलब उसे थोड़ा अनसेफ सा फील होता है। और ये जो चीज़ इन लोगों ने ऐसा करके खोल रखी है पूरी, इसे कवर कर सकते थे, कोई चूहा हुआ इंडिया में आपको पता ही है कैसे तार वार खा जाए। ABS यूनिट आपको इधर देखने को मिलता है, ये 1500 cc का, वही इसमें K15 सीरीज का इंजन आपको दिया गया। बट इसमें एक चीज़ अच्छी क्या करी, जैसे नीचे जो वो देख रहे हो आप, जो उसमें नीचे ग्रिल है वो पूरी पूरी इन लोगों ने लगा दी है, ताकि आपको पूरा का पूरा नीचे का कोई व्यू ना आए, जैसे पहले स्विफ्ट में आता था उसके कंपेरिजन। बट हाँ एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, ये जो इसकी ये है ना, ये क्या कहते हैं इसे बोनट, ये अच्छा खासा पहले के कंपैरिजन में भारी कर दिया गया। अब बात कर ली जाए गाड़ी की, तो गाड़ी मेरे को मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। VXI आप लेना चाह रहे हो तो ये मेरे हिसाब से ZXI के कंपैरिजन में अच्छी है, क्योंकि वो ज़्यादा ही महंगी चली जाती है, ये आपके बजट की रहेगी। अगर आप ब्रेजा लेना चाहते हो तो भाई ये वाला मॉडल ले लो, अगर उसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज करने हैं तो अलॉय व्हील पड़वा लो, और बाकी गाड़ी में सारे काम के फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। बस आज की वीडियो यही थी, कैसी लगी आपको ब्रेजा VXI वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।